हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इस इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम लोग देखें कि क्या कुछ स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्रेनेज को कंप्लीट किया है। इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिकली क्लाइमेट के बारे में, इंडियन क्लाइमेट देखेंगे क्या कुछ क्लाइमेट है, कैसे हो रही होती है क्लाइमेट, मॉनसूनल एक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है मॉनसूनल बेसिस पे, फॉन के द्वारा क्या दिया गया है, थर्मल थ्योरी ऑफ हैली क्या चीज है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ही हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इनके थ्रू आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है। बाकी हमारे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, स्पेस रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, ड्रेनेज सिस्टम और फिजियोग्राफिक डिवीजन, इनके बारे में बात कर लिया है। ये जो दूसरा वाला टॉपिक है, ये एक्चुअल में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी पेपर टू में बात करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए दैट इज ओनली रिलेटेड विद दैट फिजियोलॉजिकल थिंग, फिजियोग्राफिकल थिंग। एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न के बारे में, और उसके बाद से ये सारे टॉपिक हमारे आ जाएंगे वन बाय वन करके। फटाफट स्टार्ट करें अगर देखिए इंडियन क्लाइमेट या मॉनसून के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें तो मॉनसून जो होती है बेसिकली, अगर आप देखें अर्थ को बनाने के बाद, दिस इज आवर अर्थ, सपोज अर्थ जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये 0 डिग्री की लाइन आ जाती है जिसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे होते हैं, इक्वेटर लाइन होती है। सिमिलरली ये यहां पर हमारी हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। सिमिलरली ऊपर में 66.5 डिग्री लाइन होती है और ऊपर में हमारा पोलर रीजन हो जा रहा होता है। सिमिलरली साउथ में भी सेम वही चीज, साउथ पोल हो जाएगी, पोलर रीजन ये भी हो जा रहा होगा। आपको पता है यहाँ पर कि हाँ सन जो होती है हमारी इस तरीके से मूव ऑन कर रही होती है, तो सन हमारी बेसिकली यहाँ इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इस तरीके से मूव कर रही होती है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज बेसिक्स, और ये आप लोग अपने जीएस ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे होते हैं। हालांकि हम लोग जब पेपर वन देखेंगे तो वहां पर हम इसका थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे क्या कुछ है। फिलहाल अगर बात करें तो इस तरीके से यहां पर ये हमारी सीन हो जा रही होती है जहां पर हमारा सन जो है इस तरीके से मूव कर रहा होता है एक्चुअल में रिलेटिव टर्म में, बिकॉज एक्चुअली अर्थ इज मूविंग एंड सन इज एट स्टैटिक पोजिशन। रिलेटिव टर्म में देखेंगे तो सन मूव कर जा रहा होगा। अब जब सन जहां पर भी होगा, जैसे मान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर डायरेक्टली है तो ये रीजन डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहा होगा, अगर मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो ये रीजन अगेन डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहा होगा, और इक्वेटर के दौरान में इक्वेटर तो हीट रिसीव कर ही रहा होगा। लेकिन अगर एक ओवरऑल सेंस में देखें तो ये वो पूरे के पूरे रीजन है, चाहे वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हो, ये वो रीजन है जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंसुलेशन ले रहे होंगे, इंसुलेशन रिसीव कर रहे होंगे सबसे ज्यादा। इसी वजह से इन लोगों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजियंस, उष्णकटिबंधीय रीजियन हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। क्लाइमेट में फिजिकल पार्ट में आप लोगों ने ये सब चीजें देखी ही होंगी। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजियन में होता क्या है, यहां पर आपको पता ही है कि यहां पर जो विंड मूव कर रही होती है जब अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट को और मैं जल्दी जल्दी लेकर के चल रहा हूं, मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। हम लोग जब पेपर वन देखेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। एंड द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोरियोलिस फोर्स के बारे में, तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में कुछ कुछ चीजें होती है, देखेंगे क्या चीज होती है। फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में जो आप देखेंगे तो जो भी फोर्स होती है वो अपने राइट साइड में मूव कर जाती है, और जो भी नॉर्थ मतलब साउथ हेमिस्फीयर में होती है वो अपने लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है। तो यानी कि अगर यहां पर बात करें, अगर मान लेते हैं ये हमारी विंड की डायरेक्शन है, सपोज जैसे यहां पर देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा हीटिंग रीजन है, अगर मान लीजिए ये हीट रिसीव किया है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो टेम्परेचर रिसीव अगर हुआ है, थोड़ा सा अगर फिजिक्स में लेकर के मैं चल रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि हाई टेम्परेचर अगर ये रिसीव किया है, यानी बहुत ज्यादा हीट रिसीव किया है, हीट रिसीव किया है यानी एम एस डेल्टा टी रिसीव किया है, डेल्टा टी होने के कारण से स्पेसिफिक हीट और इसका मास, इस तरीके से ये हो जाता है क्यू। तो ज्यादा अगर ये हीट रिसीव करेगा यानी कि टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आ जाएगा, जब इसमें टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा या फिर ये अपने वेपराइजेशन टेम्परेचर पे अगर पहुंच जाएगा, तब ये ले लेगा m into delta L। delta L का मतलब क्या चीज हो जाती है, latent heat of vaporization। तो m delta L यानी कि latent heat of vaporization लेकर के
वेपराइज कर जाएगा। यानी कि एक चीज हम लोग यहां पर श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं अपने फिजिक्स को ध्यान में रख करके कि अगर हीटिंग बहुत ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिसीव होगा और इस कारण से यहां पर वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अपने जो हेलीज सेल जो था उसमें भी यही चीज बोला गया था कि जहां पर भी प्रेशर बहुत लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हो जाएगी, तो वो एक वेपराइजेशन जोन बन जाएगा। तो यही चीज हम लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगा। आप देखिए यहां पर जरा, यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस वाले पार्ट को। इतना यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग देखें यहां पर इक्वेटर पे, इक्वेटर हमें पता है कि लो प्रेशर जोन बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर में हाई प्रेशर बना होगा, सिमिलरली यहां पर भी हाई प्रेशर बना होगा। यानी कि अगर यहां पर हम लोग देखें कि कैसी विंड अगर मूव कर रही होगी तो विंड के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि हाई टू लो इस तरीके से विंड मूव करेगी, सिमिलरली यहां पर भी हाई टू लो इस तरीके से विंड मूव करेगी। ये क्लियर है, क्योंकि विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर रही होती है। अब हमें पता है कि ऊपर के साइड में अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, तो राइट देखेंगे आप इसका तो राइट किधर है, इधर के साइड में राइट आ जाता है। सिमिलरली अगर साउथ में देखें तो लेफ्ट में मूव करेगी, तो लेफ्ट किधर है, इधर है। यानी कि हमें जो बेसिकली मूवमेंट मिलेगा, क्या कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, इस तरीके से विंड का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा होता है। एंड दीज आर बेसिकली ट्रेड विंड्स, तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि ये ट्रेड विंड होती है। क्लियर। अच्छा आगे बात करें, अगर वन सेकेंड लेट मी रीड इट। अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं ट्रेड विंड के बारे में, आपको जानकारी हो गई, सब कुछ पता चल गया। यहां पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ITCZ का। थोड़ा सा हम लोग अभी एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, फिर इसके बाद से इसके डिटेलिंग में आएंगे हम लोग। एक कंसेप्ट होता है जो ITCZ का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक्चुअल में ITCZ होती है लो प्रेशर लाइन, और ये लो प्रेशर लाइन ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट नहीं होगी, ये चेंज करती रहेगी। क्यों चेंज करती रहेगी, क्योंकि सन की पोजीशन लगातार चेंज होती आ रही है, और इस कारण से हमें ITCZ चेंज होते हुए मिलती रहेगी। इन केस सपोज मान लेते हैं कि जो हमारी ITCZ है वो ऊपर की ओर चली गई, मतलब कि सन हमारा ऊपर की ओर चला गया, तो ITCZ भी हमारी ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगी। क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में हमारा लैंड मास बहुत ज्यादा है, इस एरिया में लैंड मास बहुत ज्यादा है। और आपको पता है कि लैंड और सरफेस के, मतलब कि लैंड और वाटर के बीच में अगर बात किया जाए तो किसकी स्पेसिफिक हीट कम किसकी है, स्पेसिफिक हीट कम रहेगी लैंड की और ज्यादा रहेगी वाटर की। इससे होगा क्या, ये जो ms डेल्टा टी है यहां पर, अगर m ये तो कांस्टेंट है हटा दीजिए, s डेल्टा टी, अगर s कम रहेगा तो t बहुत ज्यादा, डेल्टा टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू द वाटर, इसीलिए वाटर को जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने में काफी समय लग जा रहा होता है, समय लेता है ये ठंडा और गर्म होने में, जबकि लैंड फटाफट हो जाती है। तो वही चीज अगर बात करें, यहां पर देखिए लैंड एरिया है, जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा तो फिर ITCZ इधर के साइड में ही मूव कर जा रही होगी, तो इस तरीके से ITCZ मूव कर जाएगी। क्लियर। अब देखिए हमारा जो हवाओं का रुख था, जो हवाएं चल रही थी वो तो अभी भी ऐसे ही चल रही थी, यही रास्ता था, यहां पर भी ऐसा ही रास्ता था, लेकिन यहां पर हुआ क्या, बेसिकली यहां पर हुआ ये है, मान लेते हैं ये वो लाइन है हमारी, और हमारी ITCZ ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी विंड एक्चुअली, और ITCZ हमारा मूव करके कुछ ऐसे चला गया। तो यहां पर हवा तो हमारी ऐसी ही है, लेकिन अब कोरियोलिस का इफेक्ट क्या होगा, कोरियोलिस यहां पर कहता है कि इसको लेफ्ट में घुमाऊंगा, मैं ऊपर बोलता है कि मैं इसको राइट में घुमाऊंगा, चलिए ठीक है घुमा देते हैं, ये हमारे राइट साइड में घूमो में कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में चले जाते हैं, यहां पर लेफ्ट साइड में घूमेगी, चलिए ठीक है लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं, ये लेफ्ट साइड में घूम गई, लेकिन ये तो आपका हाफ पार्ट हो गया, हाफ पार्ट के जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ही अपने राइट साइड में मूव करनी चाहिए, राइट साइड में ऊपर देखिए राइट साइड है ना, तो यानी कि जैसे ही हवा ऊपर आएगी ये मूव कर जाएगी इधर, इसको हाइलाइटर से दिखाता हूं मैं, तो यहां से हवा जैसे ही अंदर आएगी वैसे ही ये कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगी, क्योंकि अपने राइट डायरेक्शन में इसको मूव करना है। यही जो मूवमेंट होती है, यही जो कह लीजिए कि टर्न मूवमेंट लिया है, एक तरीके से हेयर पिन मूवमेंट लिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉनसून। यही होती है बेसिकली मॉनसून, समझ में आया क्या मॉनसून का मतलब है, तो इस तरीके से चीजें हो जाती होती है, हम लोग आगे भी देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको अच्छे से और आ जाएगी, लेकिन एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या हुआ है। यहां पर अगर बात करें तो देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इसेंशियली सब ट्रॉपिकल मॉनसूनिक, क्यों सब ट्रॉपिकल आपको पता ही चल गया,
द वर्ड मानसून ये जो होती है अरेबिक वर्ड से निकल के आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉसिम, जिसको मतलब नॉर्मल भाषा में सीजन के नाम से जाना होता है, और यहीं से ये मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून वर्ड जो होती है वो क्वाइन हो जा रही होती है। मानसून वर्ड की जो शब्द की क्वाइनिंग होती है वो अरब नेविगेटर ने की थी, और ऑलरेडी हम लोगों ने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में इस चीज को देख भी रखा हुआ है कि अरब नेविगेटर्स, जो अरब कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों ने मानसून शब्द की, मानसून वर्ड की क्वाइन किया हुआ था। डिस्क्राइब द सीजनल रिवर्सल ऑफ दिस विंड, तो यहां से जो इस तरीके से सीजनल रिवर्सल हो रही थी, क्यों सीजनल, क्योंकि हमेशा आईटी सीजन जब ये ऊपर की ओर में मूव करेगा, और वो होगा कब, हमेशा समर के मौसम में ही होगा, गर्मी के मौसम में होगा। तो ये इस तरीके से केवल और केवल एक सीजनल शिफ्ट हो जा रही होती है, और इस सीजनल शिफ्ट को ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड अलोंग द शोर ऑफ इंडियन ओशियन हो जा रही होती है, स्पेशली ओवर द अरेबियन सी, इन विच द विंड ब्लो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए, ये बेसिकली साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में जा रही थी और मूव करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बेसिकली साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल रहा होता है समर सीजन में, और वही उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा विंटर सीजन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर में। यानी कि कुल मिलाकर के ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि मानसून जो होती है वो पीरियोडिक सीजनल विंड की रिवर्सल होती है, जो हर 6 महीने पे चेंज हो रही होती है। तो दिस इज द बेसिकली बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइमेट, या फिर मानसून के बारे में बोल सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ, ये जो होती है एक हमारे कंट्रीब्यूटर है शेंग सी शेंग, इन्होंने बोला कि मानसून इज अ फ्लो पैटर्न ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया इन विच देयर आर क्लियरली डोमिनेंट विंड इन वन डायरेक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन कंसर्न, बट इन विच दिस प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ विंड इज रिवर्स्ड और ऑलमोस्ट रिवर्स्ड फ्रॉम विंटर टू समर एंड समर टू विंटर। बस यही कंसेप्ट को इन्होंने क्या है, भाषा में बता दिया, और कुछ इन्होंने नहीं कहा है। वही अगर आगे बात करें तो देखिए, मानसून आर स्पेशली प्रोमिनेंट विद इन द ट्रॉपिक्स, क्यों, क्योंकि यहीं पर तो आईटी सीजन मूव कर रही होगी, तो ट्रॉपिकल एरिया में ही मूवमेंट हो रही होती है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो मानसून है वो प्रोमिनेंटली ट्रॉपिक एरिया में ही देखने को मिल रही होती है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्रेट लैंड मास। ठीक है, ईस्टर्न साइड में क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, वहीं पर हमारा जो लैंड मास है, वहीं पर जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है, सबसे ज्यादा हो रहा होता है। बट इन एशिया इट अकर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स इन चाइना, कोरिया, जापान एंड मे बी ऑब्जर्व 60 डिग्री नॉर्थ, क्यों, क्योंकि अगेन वही, क्योंकि यहां पर हमें सबसे ज्यादा लैंडमार्क देखने को मिल रहा होता है, स्पेशली द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मॉनसून रीजन, तो ये जितने भी रीजन हम लोगों ने देखे सारे रीजन मॉनसूनल रीजन कहला जा रहे होते हैं। अदर एरियाज विच एक्सपीरियंस सिमिलर बट लेस प्रोनाउंस सीजनल चेंजेस ऑफ विंड डायरेक्शन इंक्लूड, इसके अलावा हमें यूएस में, कैरेबियन आइलैंड में, मेडागास्कर में, ईस्ट अफ्रीका में, गिनी कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस में, और चाइना में, कोरिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जा रहा होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम लोग हालांकि ज्यादा डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे जब हम लोग अपना पेपर वन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे होंगे, यहां पर हम लोग अपना कंसंट्रेशन केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी की ओर रखे हुए हैं, और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे अगर बात करें तो मानसून जो होती है एक कॉम्प्लेक्स मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें रिवर्सल ऑफ द विंड नहीं देखना होता, हमें बहुत सारे फिनोमिना देखने होते हैं। जैसे रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा मेड जूलियन कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर एल नीनो कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर टेम्परेचर में जो चेंज होती है, ओशियन डायपोल जिसको बोलते हैं, इंडियन ओशियन डायपोल बोला जाता है, ये हो गया। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आर देयर जो कि केवल और केवल मॉनसूनल नहीं होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी, अदर मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इन सारे डिटेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे क्या चीज है। तो एक्सपर्ट ऑफ मेट्रोलॉजी हैव डेवलप्ड द नंबर ऑफ कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉनसून, तो इन सारे के सारे बारे में क्या कुछ कंसेप्ट डेवलप किया गया, सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हालांकि डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर डिस्कस करेंगे ये कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो ओरिजिन ऑफ मॉनसून के बारे में हमें बता रखे हैं, तो एक कंसेप्ट है थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली, और दूसरा कंसेप्ट है डायनेमिक कंसेप्ट बाय फॉन। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हेली के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, हेली ने जो बोला था वो थर्मल कंसेप्ट के बारे में बात किया था। थोड़ा सा अगर इनके कंसेप्ट को समझें कि इन्होंने बोला क्या है, तो यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स पढ़ा था, उस फिजिक्स में हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा कि जो हीट होती है, हीट को क्यू से मैं दिखा रहा हूं, जिसे मान लेते हैं हीट, हीट जो रिसीव हो रही है इंसुलेशन के फॉर्मेट में रिसीव हो रही है, कहां से रिसीव हो रही है, सन से रिसीव हो रही है। सन से क्यों रिसीव हो रही है,
क्योंकि इसके पास में एनर्जी है और एनर्जी लगातार रेडिएट कर रहा है अपने सोलर फ्लेयर्स के माध्यम से। निकलता कैसे है, निकल रही होती है विजिबल रेज के माध्यम से। तो विजिबल रेज अपने पास विबग्योर होती है, ये विबग्योर की अपनी अपनी एनर्जी होती है, एचसी बाई लेमडा होता है, और इसके बेसिस पे पूरी एनर्जी निकल रही होती है। तो पूरी कहानी समझ में आ गई, कैसे सन से निकल के आ रहा है, जमीन तक पहुंच रहा है, आइडिया लग गया। तो ये एचसी बाई लेमडा बेसिकली हमें पूरा का पूरा आइडिया दे दे रहा है। अब जैसे ही ये हीट आएगी, रिसीव होगी, दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि लैंड पे आकर के गिरे, दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर यानी कि ओशियन पे आकर के गिरे। लैंड पे अगर आके गिरेगी तो एमएस डेल्टा टी यहां पर भी होगा, ओशन पे गिरेगी या तो एमएस डेल्टा टी लगेगा या फिर एम डेल्टा एल लगेगा। ये क्या चीज है, ये है बेसिकली वेपराइजेशन का केस। तो वेपराइजेशन भी हो सकता है यहाँ पे, इस वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने रखा है। और दूसरा केवल और केवल हीटिंग हो सकती है, और इस कारण से मैंने यहां पर एस मतलब स्पेसिफिक हीट रखी हुई है। तो दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट। लैंड पे कभी भी वेपराइजेशन वाली चीज तो कुछ होती नहीं है, तो यहां पर इस वजह से केवल और केवल स्पेसिफिक हीट रखी गई है, मतलब केवल और केवल यहां पर हीटिंग ही हो सकती है। ये इतना फिजिक्स समझ में आ गया। अब जरा आइए यहां पर जब हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये इलाका जो होता है वो लैंड का इलाका है, और सिमिलरली यहां पर अगर आगे बढ़े तो वन सेकेंड ओके, यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर मान लेते हैं कि हमें ओशियन का इलाका मिल जाता है। तो ओशियन जो है हमारा, ये वाला पार्ट जो होता है वो ओशियन का पार्ट हो जा रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली ओशियन। अब जब यहां पर हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि इंसुलेशन आया, दिस इज इंसुलेशन, और इंसुलेशन के समय मान लेते हैं ये डे टाइम है, तो डे टाइम है, डे टाइम पे इंसुलेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हीट ये भी रिसीव कर रहा है, हीट ये भी रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास भी एम एस डेल्टा टी आया, इसके पास भी एम एस डेल्टा टी आया। अब इसका जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। इसे होगा क्या, ये S कम है ज्यादा, मान लीजिए 200 कैलोरी की इसको अगर एनर्जी दी गई, यहां पर भी 200 कैलोरी की अगर इसको एनर्जी दी जा रही है, तो होगा क्या, इसमें S कम है तो डेल्टा T ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि यहां पर अगर S देखिए ज्यादा है इसका, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज यहां पर मान लेते हैं केवल और केवल 20 डिग्री का अगर निकल के आ रहा है, तो यहां पर जो टेम्परेचर चेंज है वो 60 डिग्री का निकल के आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर लैंड मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, तो इस 200 कैलोरी एनर्जी को लेने के बाद इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री में चेंज लेकर के आना है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं यहां पर भी केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री का चेंज आएगा यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली लैंड का ज्यादा है, और यहां पर वाटर का कम है। अब यहां पर अगर बात करें लो प्रेशर किसका बना हुआ है, तो लो प्रेशर के अगर बारे में बात करें, लेट मी टेक सम अदर कलर, ब्लैक ले लेते हैं। तो लो प्रेशर ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा हीट होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, वो लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये बन गया बेसिकली लो प्रेशर, और यहां पर ये बन गया है हमारा हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर बना हुआ है तो हवा कैसे चलेगी, ऑब्वियसली जो हमारी हवा है वो कुछ इसी डायरेक्शन में चल रही होगी, येलो कलर ले लेते हैं। तो हवा जो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से विंड ब्लो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारी विंड जो है वो चलनी शुरू हो गई है। अब इससे होगा क्या, जब विंड चलेगी आगे तो यहां से मॉइस्चर उठा लेगी, तो जब मॉइस्चर उठा लेगी तो जैसे ही आगे लैंड पे बढ़ेगा वैसे ही यहां पर लैंड की जो हीट है, लैंड की जो एम एस डेल्टा टी है, अब वो ट्रांसफर हो जाएगी विंड में। तो विंड में जैसे ही ट्रांसफर होगी एम डेल्टा एल ले करके, ये एम डेल्टा एल ले करके इसके अंदर में जो वेपर भरे हुए हैं वो वेपर कंडेंस हो जाएंगे और रेनफॉल हमें करना शुरू कर देंगे। तो ये जो बेसिकली सिस्टम हुआ है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू प्रेशर चेंज। तो यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का केस हुआ, इस कारण से हमें पूरा का पूरा ये इफेक्ट देखने को मिला। इस पूरे कंसेप्ट को समझाया गया था हमारे हेली साहब के द्वारा। आइडिया लग गया क्या चीज है। अब जरा हम लोग देखना शुरू करते हैं, इस पूरे सिस्टम को इरेज करते हैं और हम लोग जरा शुरू करते हैं हेली साहब ने क्या क्या कुछ बोला है। वापस से अपने रेड पेन पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो हेली साहब ने बोला कि देखिए, इन्होंने कहा कि प्राइमरी कॉज ऑफ एनुअल साइकिल ऑफ इंडियन मॉनसून इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड सी। तो अभी हम लोगों ने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ लैंड और सी हो रही थी, जिसके कारण से प्रेशर चेंज आ रही थी, और उस प्रेशर चेंज के कारण से हमें ये मॉनसून देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मॉनसून आर एक्सटेंडेड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हम लोगों ने जो अभी बात किया था प्रेशर चेंज और इस तरीके से सी से लैंड की ओर में और लैंड से सी की ओर में जो ये हवाओं का ट्रांसफर हो रहा था, वो बेसिकली सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ही कहा जाता है। इनके कंसेप्ट के हिसाब से
लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द ओनली टाइप ऑफ विंड्स दैट आर ब्लोइंग ओवर द लैंड और द सी। तो केवल और केवल इसी तरीके की हवा चलती है, जब ये एक्सटेंड हो जाएगी तो वही मानसूनल रूप ले ले रही होती है, तो ये लार्ज स्केल पे चल रही होती है। एंड दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बात करते हैं। समर के सीजन में क्या होता है कि यहां पर जो हमारी लो प्रेशर है वो हमारा नदन हेमिस्फीयर में लैंड के ऊपर में बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज होती है वो वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती हैं। इससे लैंड मास ऑफ एशिया तुरंत हीट कर जाएगा और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। कहां कहां पर? जहां जहां पर लैंड है। कहां कहां पर लैंड है? एक तो आपका लेक बैकाल साइबेरिया के पास में, दूसरा पेशावर के पास में बना देता है, क्योंकि पेशावर अपने आप में खुद ही डेजर्ट रीजियन है। तो डेजर्ट होने के कारण से ये पूरा इलाका जो होता है और ज्यादा लो प्रेशर में तब्दील हो जाता है। अब ये तब्दील होने के कारण से होता क्या है कि जो ITCZ अभी हमारी इक्वेटर पे चल रही थी वो ऊपर की ओर में शिफ्ट हो करके आ जा रही होती है इस पूरे सेंटर पे, मतलब कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीचों बीच से गुजर जा रही होती है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट होता क्या है कि द प्रेशर ओवर द एडजेसेंट वाटर ऑफ इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन वो अब हाई हो जाता है प्रेशर। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और इस क्रिएशन के कारण से फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलना शुरू हो जाती है। तो इसी कारण से लैंड टू सी एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। कंसिक्वेंटली द सरफेस एयर फ्लो इट फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द सीजन टूवर्ड द लो प्रेशर ओवर द हीटेड लैंड मास। तो हाई प्रेशर जो ओशन पे बना है वो चलना शुरू हो जाता है लो प्रेशर की ओर में जो कि लैंड मास पे बना हुआ है। तो बस अंडर द एक्सट्रीम लो प्रेशर कंडीशन ऑन द लैंड विंड आगे बढ़ जाती है, पानी उठा लेती है जो भी ओशियन है, तो ओशियन से पानी को उठा लिया जाता है, मॉइस्ट और वार्म एयर बन जाती है और इस तरीके से जैसे ही लैंड बैरियर आती है, माउंटेन आती है, प्लेटू आती है, वैसे ही वहां पे जो विंड लेडन या फिर मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो फिर जो है सैचुरेशन कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन मतलब की बारिश करना शुरू कर दे रही होती है। तो ये जो तरीका है ये तरीका होता है मॉनसून का, ये पूरा सिस्टम हैली साहब ने समझाया था हमें। आगे अगर बात करें तो कंट्ररी टू दिस नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या चीज हो जाएगी देख लेते हैं। विंटर सीजन में क्या हो रही है, यहां पर हमारा लैंड एरिया था और उसके बाद से यहां पर हमारा ओशन एरिया या फिर सी एरिया था। अब यहां पर विंटर सीजन आ गया है। विंटर सीजन आने के कारण से होगा क्या कि अब लैंड जो होती है वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी। वाई दिस रेडिएशन, रेडिएशन क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर टेम्परेचर हाई था, तो टेम्परेचर ऑफ लैंड वॉज मच मोर देन सी, सी के टेम्परेचर से ज्यादा था। मान लेते हैं टेम्परेचर की 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, या फिर पुराने एग्जांपल से ही आ जाते हैं, यहां पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था कि नहीं, ये हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में ही देखा था। हमारे इंसुलेशन के कारण से तो हम लोगों ने MS डेल्टा टी बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो डे टाइम का था, रात में क्या होगा, रात में तो इंसुलेशन आएगा नहीं, रात में केवल और केवल रेडिएशन होंगी जिसको कि हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। तो ये हो जाती है एल्बिडो, हर समय होती है, ये ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं हो रही है, हर समय होती है, बट दिन में हमें इंसुलेशन भी प्राप्त हो रहा होता है इसलिए हम ये रेडिएशन को नहीं देख रहे होते हैं। रेडिएशन के लिए फॉर्मूला लगता है यहां पर और वो होती है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है सिग्मा टी टू द पावर 4 जिसको कि हम लोग स्टीफंस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्टीफंस प्रिंसिपल, फिजिक्स में पढ़ते हैं 11 12th क्लास में शायद आता है, चलिए खैर। तो ये हो जाती है स्टीफंस प्रिंसिपल। अब देखिए 80 डिग्री का आप 4 टाइम्स करेंगे और 40 डिग्री का 4 टाइम्स करेंगे, कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 80 डिग्री वाला मच मोर देन होगा। यानी कि रेडिएशन भी सबसे ज्यादा कहां से निकल रही है, लैंड से निकल रही है, क्यों, क्योंकि टी टू द पावर 4 है। तो इस तरीके रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, यानी जल्दी ये कूल हो जा रहा है और ये वाला धीरे धीरे हो रहा है। तो अब एज पार्ट ऑफ रिजल्ट होगा क्या, जब आप ये पूरा सिस्टम कट कर देंगे, इंसुलेशन आना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि विंटर का मौसम आ गया है, तो केवल और केवल क्या होगा, रेडिएशन ही सिर्फ होगा, रेडिएशन होगा तो ये जल्दी कूल हो जाएगा। यानी कि अब विंटर के टाइम पे लैंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लैंड का टेम्परेचर घट करके 20 डिग्री हो जाएगा और जो समुद्र है उसका टेम्परेचर घट करके 40 डिग्री से घट करके 25 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब दोनों में कौन हाई प्रेशर पे है, अब ये हाई प्रेशर 20 डिग्री वाले पे बन गया है, क्यों, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर हो जाएगा,
तो ये बन गया है हमारा हाई प्रेशर पे। इसको एक काम करते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो ये हमारा हाई प्रेशर पे बन गया है और ये जो हमारी ओशियन है वो अब लो प्रेशर पे बन गई है। हवा कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यानी कि हमारा मूवमेंट हवा का कुछ लैंड से ओशियन के साइड में अब होना शुरू हो जाएगा। क्या लैंड पे क्या कोई वाटर बॉडी है? ऑब्वियसली नहीं है। तो जब वाटर बॉडी नहीं रहेगी तो सीधी सी बात है इस हवा में कोई मॉइस्चर नहीं आ पाएगा। जब मॉइस्चर नहीं आ पाएगा यहां पर, जब वेपर नहीं आ पाएगा तो फिर यहां पर कोई भी बारिश करने की संभावना नहीं रहेगी, जीरो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इनफैक्ट यही यहां पर बताया भी गया है कि जब विंटर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, वहीं लेक बैकाल और पेशावर में जहां पर पहले लो प्रेशर बना हुआ था, एज कंपेयर टू दीज हाई प्रेशर जो इंडियन ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है, ये अब लो प्रेशर बन गई है। रिलेटिवली वार्म है इसलिए लो प्रेशर बन गई है। तो समझ में आ गया क्या केस है? तो इसलिए विंड उल्टा डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, तो आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू ऑफ द लैंड टू लो प्रेशर ऑफ द ओशियन मूव करना शुरू कर दिया, एंड एयर ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर ऑफ द लैंड टूवर्ड द सी इज कोल्ड एंड ड्राई। लेकिन कहीं पर भी पानी मिला नहीं तो कहीं पर भी ये बारिश नहीं करा पाया। क्लियर हो गया क्या चीज है? समझ में आ गया पूरा सिस्टम क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे अगर बात करें तो देखिए, थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून हैज हाउएवर नॉट बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एज इट फेल टू एक्सप्लेन द इंट्रिकेसीज ऑफ मॉनसून। यहां पर देखिए कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन करके जरा डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और उसको हम लोग कहेंगे कि हेली की वो क्रिटिसिज्म में चली जा रही होती है। जरा वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और हम लोग फिजिक्स को ही लेकर के डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम लोग जितना भी फैक्चुअल डिटेल था वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिक जो फिजिक्स या फिर बेसिक लॉज हैं उनको लेकर के हम लोग अब डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, तो अब समझने की कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो प्रिंसिपल लगाया है, एक लगाया है हीट का, जहां पर हम लोगों ने एम एस डेल्टा टी और एम डेल्टा एल ये फॉर्मूला लगा रहा है, और एक दूसरा लगाया हम लोगों ने स्टीफंस प्रिंसिपल, जहां पर हम लोगों ने बेसिकली ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसुलेशन के लिए हो गया है, और दूसरा हम लोग बेसिकली जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं स्टीफंस प्रिंसिपल, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और ये बेसिकली रेडिएशन के कारण से है, या फिर बोल सकते हैं एल्बिडो के कारण से है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस से हो रही होती है रात के टाइम पर ज्यादा, ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए, खैर, तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। अब जरा एक बात बताइए, क्या सपोज आप एक रूम में हैं, यू आर इन अ रूम, और एक रूम से लगातार एयर जो होती है वो बाहर की ओर में निकलते आ रही है। अगर मान लीजिए इस एयर में कहीं से भी, इस रूम में कहीं से इनकमिंग ना हो, केवल और केवल आउटगोइंग ही हो रही है, तो एक समय के बाद क्या ये पूरा का पूरा रूम वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि भाई जितनी अंदर की एयर थी वो सारी बाहर निकल गई, कुछ आ नहीं रहा है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सेम यही चीज हमारे हेली साहब के ऊपर भी होता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर लैंड है और यहां पर अगर मान लेते हैं कि सी है, अगर हवा, जैसा कि इन्होंने बोला कि हवा जो है केवल लैंड से सी की ओर या सी से लैंड की ओर चल रही है और काफी लंबी दूरी तक चल रही है। लंबी दूरी मतलब समझ रहे हैं क्या चीज? इंडियन ओशियन है ये, ओशियन मतलब ये जो सी है इंडियन ओशियन है, और लैंड का मतलब यहां पर आप गुजरात में आ गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा ये दूरी ट्रेवल करके आ रही है। अब जब ये दूरी ट्रेवल करके आ रही है, यानी कि ओशियन के ऊपर में जितनी भी विंड है वो सारा का सारा लैंड के साइड में चला गया है, अब ये सी जो है ये तो वैक्यूम बन गया होगा, यहां पर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाना चाहिए क्योंकि कहीं से एयर नहीं आ रही है। तो इन्होंने ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द काउंटर करेंट ऑफ द एयर, इन्होंने काउंटर करेंट के एयर के बारे में कुछ नहीं बताया था, और इसी वजह से इनका मॉडल एक तो ये फेल हो गया। पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ये तो 6-6 महीने पर अपना जो बन रहा है सो बन रहा है, और इनफैक्ट अब ये छोड़िए, ये बताइए डेजर्ट रीजन हमारा बना हुआ है, थार का डेजर्ट, थार मरुस्थल बना हुआ है, तो ये तो लगातार लो प्रेशर बना रहेगा, हमेशा ही लो प्रेशर बना होना चाहिए। जो लो प्रेशर अगर बना हुआ है, चाहे वो विंटर के टाइम पे ही हो, तो हमारी जो बारिश है वो तो अप्रैल के महीने से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि ये जून के महीने में ही होती है? सेकेंड थिंग, जो कि हेली के जो थर्मल कंसेप्ट है उसने डिस्कस नहीं कर पाया। समझ में आया क्या चीज है? नंबर थ्री, ये इंडिया में दो सीजन की बजाय 4 सीजन पड़ रहे होते हैं, इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर थ्री,
नंबर फोर, इन्होंने केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस को ही बताया, इन्होंने अदर ओशियनिक और अदर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना जैसे एल नीनो, ला नीना, मैट जूलियर, इन सब के बारे में, साइक्लोन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नंबर फाइव, इन्होंने जो रेनफॉल के बारे में बात किया है वो केवल और केवल ओरोग्राफिक के बारे में बात किया। ओरोग्राफिक क्या चीज होती है आप लोग को हालांकि पता भी होगा, लेकिन आप खैर समझ लीजिए ऐसे ही कि ओरोग्राफिक या फिर फ्रंटल, ये दो ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो प्रेशर डिफरेंस के कारण से हो रहे होते हैं। कन्वेक्शनल वाली चीज कुछ नहीं यहां पर बताई गई थी, इसलिए अगेन ये मॉडल फेल हो गया। तो पांचों मॉडल, पांचों चीजें समझ में आ गई, क्या क्रिटिसिज्म है, वन बाय वन करके तेरा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द कंटिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉट स्टेशनरी और दीज लो प्रेशर एरिया चेंज देयर पोजिशन सडनली, अचानक से चेंज कर रहे होते हैं लो प्रेशर एरिया, विच इज नॉट एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली लो प्रेशर। द लो प्रेशर एरिया स्टेबिलाइज इन जून नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, इनफैक्ट द साइक्लोनिक लोज एसोसिएट विद द डायनेमिक फैक्टर एंड देयरफॉर लो प्रेशर कैन नॉट बी टर्म्ड एज ओनली थर्मली इंड्यूस्ड। एक्चुअली यहां पर बात यह कर रहा है कि लो प्रेशर जो जनरेट हुआ सो हुआ, लेकिन जो ये साइक्लोन वाली लो प्रेशर होती है, इस साइक्लोन वाली लो प्रेशर को इन्होंने तो डिस्कस ही नहीं किया क्या चीज होती है, कैसे हो रही होती है, तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म के फॉर्मेट में ले सकते हैं। फिर उसके बाद से मॉनसूनल एक्टिविटी, एंटी मॉनसूनल सर्कुलेशन के बारे में कुछ नहीं बात किया, यानी वही जो काउंटर करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वही काउंटर करंट के बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। ऑल्दो हाई टेम्परेचर ये जो है वो लो प्रेशर बना करके लेकर के आ रहा होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि मिडिल ऑफ अप्रैल से ही डेवलप हो जा रही होती है, लेकिन बारिश नहीं होती है, बारिश तो जून से होती है, तो ये अगेन क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रखे हैं। इन्होंने केवल और केवल ओरोग्राफिक और फिर कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक और कह लीजिए फ्रंटल रेनफॉल के बारे में इन्होंने बात किया, तो हैज नॉट शोन मॉनसून रेनफॉल इज नॉट होली ओरोग्राफिक, बल्कि यहां पर बहुत सारे होते हैं, कन्वेक्शनल भी होती है, ओरोग्राफिक भी होती है, साइक्लोनिक भी होती है, हर तरीके की रेनफॉल होती है, जिसको कि इन्होंने डिस्कस नहीं किया। आगे अगर बात करें तो आगे हमारे पास आ जाती है कि दो ब्रॉड सीजन इनके हिसाब से होना चाहिए, जबकि हमारे पास फोर सीजन बेसिकली देखने को मिल रहे होते हैं, तो चार सीजन बेसिकली देखने को मिल रहे होते हैं। आगे हैली ने कोरियोलिस के इफेक्ट को बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं किया। कंसिडरेशन का मतलब वही जो अभी हम लोगों ने बात किया था ना, ये हमारा अर्थ है नॉर्थ डायरेक्शन में जो होती है, राइट साइड में मूव कर रही होती है कोई भी विंड, और साउथ के डायरेक्शन में लेफ्ट में मूव कर रही होती है, तो यहां पर इन्होंने कोरियोलिस के तो इफेक्ट को लगाया ही नहीं। कहीं मैंने आपको लोगों को बताया क्या कोरियोलिस? नहीं बताया, तो कोरियोलिस का इफेक्ट इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था। दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि एक्चुअल में टेंडेंसी होती है राइट और लेफ्ट मूव कराने की। द रोल ऑफ लेटेंट हीट पासिंग थ्रू द एटमोस्फियर थ्रू वाटर वेपर वॉज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड बाई हैली। वाटर वेपर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉनसून। तो वही है जो एम एस डेल्टा टी और एम डेल्टा एल वाली जो चीज थी, उसके बारे में कोई भी डिफरेंस इन्होंने क्लियर नहीं किया, कुछ भी बताया नहीं। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हेली का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली बहुत ही नैरो लेवल पे था, बहुत ही छोटे लेवल पे था, केवल और केवल सिंगल एलिमेंट पे इन्होंने डिस्कस किया था। बाकी अगर बात करें यहां पर इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर में, फॉन साहब ने अपना एक व्यू दिया था, और इस व्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट करेक्ट व्यू, दिस इज मोस्ट करेक्ट व्यू हो जा रही होती है। अब जरा देखते हैं इसके बारे में इन्होंने बोला क्या। इन्होंने जो बोला था सिस्टम, वो सिस्टम हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था कि आईटी सीजन मूव कर रही होती है, ये सिस्टम अभी डिस्कस किया था ना, ये हमारा मान लेते हैं अर्थ है, या हमारी आईटी सीजन इस तरीके से मूव कर जा रही है, यहां पर हमारी विंड इस तरीके से तो चल रही थी, लेकिन यहां पर एक शार्प टर्न ले लेगी क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घुस गई है हवा, और यहां पर कोरियोलिस के कारण से राइट साइड में मूव कर जाएगी। तो ये पूरा कंसेप्ट बताया गया था हमारे फॉन साहब के द्वारा। वन बाय वन करके डिस्कस करें इन्होंने बोला क्या। तो डायनामिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून वॉज पुट फॉरवर्ड बाई फॉन इन 1951। इसके हिसाब से मॉनसून इज रिजल्ट ऑफ सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्लेनेटरी विंड एंड प्रेशर बेल्ट। समझ में आया? तो जो प्रेशर बेल्ट चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन आईटी सीजेड, उसके कारण से जो ये हमारी प्लेनेटरी विंड है या फिर ट्रेड विंड है, इसमें सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इस सीजनल माइग्रेशन के कारण से ही हमें बेसिकली ये जो आईटी सीजेड इज फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नियर द इक्वेटर। तो यही है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, यह हमें ट्रेड विंड मिल जा रही होती है। नॉर्दर्न एंड सदर्न बाउंड्री ऑफ आईटी सीजेड, इसको हम लोग नॉर्थ आईटी सीजेड या साउथ आईटी सीजेड बोल दे रहे होते हैं, बस कुछ नहीं मान लेते हैं आईटी सीजेड है, ऊपर के साइड में गई तो नॉर्थ आईटी सीजेड, एन टी
सीजेड बोल दिया रहा, और साउथ में अगर जा रही है तो इसको साउथ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस तरीके से बोल दे रहे हैं, और बीच में यही ITCZ बोल दे रहे हैं। हालांकि कुछ है नहीं, सेम सेम सी चीज है, बस टर्म का अंतर है। देयर इज अ बेल्ट ऑफ डोल्ट्रम, डोल्ट्रम का मतलब ये बीच में जो जीरो डिग्री है जो ITCZ, उसी को डोल्ट्रम बोलते हैं। करेक्टराइज बाई इक्वेटोरियल वेस्टर्नलीज, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम है। एट द टाइम ऑफ समर सोल्स्टिस, मतलब कि जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगी, तो ये ITCZ मूव कर जाएगी ऊपर के साइड में, यानी NITC बन जाएगा, नेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाएगी, जो कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे चली जा रही होती है। और इस तरीके से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है उधर के साइड में ITCZ या फिर NITC चली जाएगी। Thus, equatorial westerlies are stabilized over these areas. The equatorial westerly become southwest or summer monsoon. तो basically अब जो इस तरीके से विंड आ रही है वो अब टर्न कर जाएगी इधर के साइड में, और इस तरीके से जो हमारा रोटेटिंग अर्थ, द ट्रेड विंड ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, देख सकते हैं ट्राउट साउथ हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर टर्न टूवर्ड्स राइट, क्यों, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण से अपने राइट साइड में मूव कर जाएंगी, क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पर राइट इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। तो क्लियर हो गया क्या सिस्टम बोला गया फोन के द्वारा। आगे अगर बात करें तो आगे इसी चीज को और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए केवल और केवल हमारी नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल के कारण से नहीं होता है, बल्कि यहां पर कुछ और भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होती है, जैसे साइक्लोन, साइक्लोन के कारण से भी हमें रेनफॉल देखने को मिल रही होती है, और ये रेनफॉल होती है मेनली जुलाई और सितंबर के महीने में। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा ओशियन है उस ओशियन के ऊपर में अगेन एक लो प्रेशर डेवलप हो जाती है, और इस लो प्रेशर के कारण से अल्टीमेटली एक साइक्लोन बन जाती है, और वो साइक्लोन भी अल्टीमेटली जाकर के कन्वेक्शनल रेनफॉल कर रही होती है। तो ये बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल को भी कंसीडर कर लिया। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और विंटर मॉनसून, ये भी डज नॉट ओरिजिनेट ओनली ड्यू टू लो प्रेशर इन द साउथ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विंटर सोल्स्टिस, तो यही सेम चीज जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी हो रही होती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिलीपींस हो गया, ये एरियाज भी जो है इस तरीके की फिनोमिना को, मॉनसूनल फिनोमिना को फेस कर रहे होते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड विच आर री एस्टैब्लिश्ड ओवर साउथ ईस्ट एशिया ड्यू टू साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट। तो जैसे नॉर्थ में सारी चीजें हुई, वही साउथ में सारी चीजें, सारी प्रेशर बेल्ट, सारी विंड बेल्ट, सब कुछ शिफ्ट हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि ड्यू टू साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ सन एट द टाइम ऑफ विंटर सोल्स्टिस NITC इज विड्रॉन फ्रॉम एंड चली जा रही होती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में चली जा रही होती है, नॉर्थ मतलब कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में चली जा रही होती है। दीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड दस बिकम विंटर मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हैव देयर ओरिजिन ऑफ लैंड एंड जनरली ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ रेन। सो इस तरीके से सारी चीजें जब नीचे चली जाएंगी तो जो हमारा ट्रेड विंड नॉर्मल तरीके से जो बह रहा था, ब्लो कर रहा था, वही अब नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। इस वजह से विंटर में हमें इस शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण से कोई भी हमें रेन देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। इन फैक्ट इन ब्रीफ अबाउट द अकॉर्डिंग टू फॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉनसून इन एशिया स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड सी, बल्कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एनुअल माइग्रेशन ऑफ थर्मली प्रोड्यूस्ड प्लेनेटरी विंड एंड प्रेशर। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये जो ITCZ का मूवमेंट है बेसिकली इसके कारण से होता है, न कि थर्मल बेल्ट के कारण से। थर्मल बेल्ट पाई जाती है लेकिन केवल कोस्टल एरियाज में रह जाती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, इतना एक्सटेंडेड वर्जन में निकल के नहीं आ पाता है। आगे इन्होंने बोला कि डिस्पाइट द रिलेटिव शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एंड प्रेशर बेल्ट फॉन सीम टू हैव इग्नोर्ड, अब इन्होंने भी कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें इन्होंने इग्नोर किया था, जैसे अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब की जो जेट स्ट्रीम्स होती है इनको इन्होंने कह लीजिए कि एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा एल नीनो, ला नीना, फिर मैट जूलियन जो कि अभी रिसेंट में खोजा गया, तो ये सारी चीजें भी इन्होंने नहीं इंक्लूड की, तो इस वजह से अगेन इनकी भी थ्योरी पूरी तरीके से फुल प्रूफ कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से रिसेंट कंसेप्ट आते हैं ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून, यहां पर बहुत सारी नई नई चीजें डिस्कस की गई है, जैसे इन द लास्ट 5 decades अपर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन हैज बीन स्टडीड एंड सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ which meteorologists have raised certain doubt over the validity of classical concept of origin of Indian monsoon, चाहे वो हमारा thermally produced हो, हैली साहब का जो कहा गया था, और या फिर फ्रॉन साहब के द्वारा जो dynamic concept हो, दोनों के दोनों में ही classical concept और उसकी validity completely correct नहीं है। It is now believed that differentiating heat of land and sea cannot produce the monsoon circulation.
बाकी बहुत सारी और भी थ्योरीज आई जिसके कारण से हम लोगों ने नई नई चीजों को डिस्कस किया, जैसे रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के कारण से हमें नई नई चीजें सामने देखने को मिली है। फिर बाद में नई नई चीजें और भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में हुई, वहां से हमें और नई आइडिया लगा, नई रिसर्च का हमें एक क्लू मिला। उसमें से क्लू क्या क्या थे, जैसे रोल ऑफ हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू एज अ फिजिकल बैरियर एंड सोर्स ऑफ जो हाई लेवल हीट निकल के आ रही होती है, सर्कुलेशन ऑफ जो जेट स्ट्रीम है उसके भी कारण से हमें देखने को मिला, क्योंकि वहां पर हमारी फ्लाइट्स वगैरह जा रही होती है और वो जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ रही होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अपर एयर सर्कम पोलर ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द ट्रोपोस्फियर, तो इस तरीके से ये भी होती है। बाकी हीटिंग और कूलिंग एयर मास का तो चलता ही रहता है, ये भी चीज हमें देखने को मिलती है, और साथ में एल नीनो, ला नीना, मैट जूलियन, ये सारा भी कंसेप्ट देखने को मिल जा रहा होता है। तो ये थी हमारी पूरी आज की पूरी क्लास, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जितनी भी मॉनसूनल एक्टिविटी होती है कैसे होती है, क्या होता है जेट स्ट्रीम, क्या होती है, क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करके उसको अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।